हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वो व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता हो। क्योंकि देखो, आज के टाइम में अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह तो सारे ही यूज़ करते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ये सब यूज़ नहीं करते और उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। तो चलिए, फिलहाल यहाँ पे ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा काम की आपके पास होने वाली है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का व्हाट्सअप हैक हो जाता है तो कोई व्हाट्सअप हैक करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। कभी कोई अपने व्हाट्सअप को हैक होने से बचाना चाहता है, तो कभी कोई अपने व्हाट्सअप किसी और के व्हाट्सअप को हैक करना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो अपने व्हाट्सअप को हैक होने से बचा सकते हो, और अगर आपका व्हाट्सअप ऑलरेडी किसी ने हैक कर रखा है तो कैसे आप लोग पता करेंगे कि आपका जो व्हाट्सअप है वो किसी ने हैक कर रखा है। तो देखो, व्हाट्सअप जो है हैक सिर्फ दो ही तरीके से होता है। या तो जो व्हाट्सअप आपका हैक करना चाह रहा है उसके पास अगर आपका जो OTP है उसको आपने शेयर कर दिया, आपने OTP दे दिया, तो वो अगर आपके फोन व्हाट्सअप का OTP उसे मिल जाए तो आपके व्हाट्सअप को वो हैक कर सकता है। या फिर दूसरा तरीका एक वो है कि अगर आपने एक सेकंड के लिए भी अपना फ़ोन उसको दे दिया तो भाई वो अपने आपके जो व्हाट्सअप को वो चुटकियों में हैंक कर सकता है। चलिए, फर्स्ट है OTP वाला, तो आपको पता ही होगा, और मैं दूसरा आपको करके बताता हूँ कि किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये जो मैकबुक है और इसमें हमें अभी फ़िलहाल आप लोग देख पाएंगे कि कोई भी व्हाट्सअप जो है हमने ऑन नहीं कर रखा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने कोई भी व्हाट्सअप ऑन नहीं कर रखा, लेकिन यहाँ पर एक QR कोड आ जाता है जब कोई व्हाट्सअप ऑन नहीं होता, तो हम अपने व्हाट्सअप को ऑन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हम लोग कैसे पता करें कि भाई किसी ने हमारे व्हाट्सअप को हैक तो नहीं कर रखा है। उसके लिए गाइज आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे जाना है 3 डॉट पे और सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, सॉरी लिंक के डिवाइसेस पे जाना है। तो यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को बता देगा, अगर यहाँ पे किसी मैकबुक, किसी भी मोबाइल वगैरह का नाम आ रहा है तो समझ लो आप लोगों का जो व्हाट्सअप है वो हैक है। अगर यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से आ रहे तो आपका जो व्हाट्सअप है वो हैक नहीं हुआ है। चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ। तो लिंक हैक कैसे करते हैं, यूजर से अपने व्हाट्सएप को हैक करने के लिए सिंपल सा आप लोग के फ़ोन को लेता है, और फ़ोन को लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके लिंक या डिवाइस पे क्लिक कर देता है। एंड यहाँ पे आपके फ़ोन को अगर उसने एक सेकंड के लिए भी लिया तो उसके पास ऑलरेडी एक QR कोड होता है, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो, डायरेक्टली मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अपने QR कोड को यहाँ पे दिखाया, और जैसे मैंने QR कोड को दिखाया तो आप लोग लाइव देखो कि यहाँ से मेरा जो व्हाट्सएप है ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर मेरा व्हाट्सएप वहाँ चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरा व्हाट्सएप वहाँ पे चालू भी हो चुका है और आप लोग लाइव देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी मैसेज का, अब मैं डायरेक्टली यहाँ से कोई भी मैसेजेस चेक कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से आता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर गया और मैं यहाँ से देखो एक मैसेज करता हूँ मैकबुक से, ठीक है। ये फ़ोन मेरा मान लो साइड रखा है, हेलो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये मैसेज जो है सेंड कर दिया, ये डन, ठीक है। देखो गाइस, मैंने इस फोन से इस मैसेज को सेंड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके फोन से किसी ने मैसेज कर लिया। और अगर मान लीजिए आपका पास कोई पुराना चैट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे भी आप लोग डायरेक्टली पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सब मेरे पुराने चैट हैं जो कि डायरेक्टली इसमें आ चुके हैं, और मैं इसको ईजिली पढ़ सकता हूँ। तो आप लोग समझ रहे हो ना, इस तरीके से आप लोग अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हो। अब मान लीजिए आपका व्हाट्सएप ऑलरेडी किसी ने हैक कर लिया है, तब आप लोग क्या करेंगे? ऐसे में मेरे भाई आप लोगों को करना ये है कि आपको यहाँ पे जाना है, लिंक के डिवाइसेस पे जाना है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे macOS का मतलब एक्टिव है, मतलब मेरा व्हाट्सएप कहीं और अभी चल रहा है, ये दिख रहा है। तो सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को अगर हैक हो गया था उसे ठीक करने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली यहाँ से लॉगआउट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर लॉगआउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से दूसरी जगह से व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली जो है रिमूव हो जाएगा, और आप लोग लाइव देख सकते हो कि व्हाट्सएप हट चुका है वहाँ से, और डायरेक्टली आप सेफ हैं और आपका जो व्हाट्सएप है अब किसी के पास हैक नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।